एक बड़ी खबर जांजगीर से, जहां एक ही परिवार के 12 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया गया कि मशरूम खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कनई गांव का यह मामला है, जहां मशरूम खाने से एक ही परिवार के एक दर्जन लोग बीमार पड़ गए हैं। मशरूम खाने के बाद सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर अस्पताल ले जाना पड़ा। तो कनई गांव का यह मामला है, जहां एक ही परिवार के 12 लोग मशरूम खाकर बीमार पड़ गए हैं। फूड पॉइजनिंग की शिकायत इनको बताई गई है, सभी को अस्पताल ले जाया गया। स्थिति क्या है, जानकारी का प्रयास हम कर रहे हैं। तो मशरूम खाने से एक ही परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ती चली गई, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। राजकुमार साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजकुमार बताएं, फूड पॉइजनिंग को लेकर एक शिकायत सामने आई है, अब क्या स्थिति है? देखिए पुनीत, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये काफी गंभीर इसलिए है क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद खेतों में कई तरह के मशरूम मिलते हैं और इसके बाद से इन मशरूम को लेकर के लोग अपने घर लाते हैं और उसे सब्जी बनाकर खाते हैं। और ये जो मामला आया है जांजगीर क्षेत्र के कनई गांव का, इसमें भी ये जो परिवार है, ये जो मशरूम है उसे खेत से ये परिवार लाया था और इसके बाद से एक ही परिवार के 12 लोग मशरूम को खाने के बाद प्रभावित हुए हैं फूड पॉइजनिंग से, जिसके बाद से इन सभी लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। इसमें 3 बच्ची की हालत गंभीर है और 1 महिला की हालत गंभीर है और कहीं न कहीं ये एक जागरूकता का भी विषय है क्योंकि जिस तरह से खेतों में जो जंगली मशरूम कहते हैं वो भी खेतों में मिलता है, तो जो ग्रामीण है उनमें कई बार पहचान वो नहीं पाते और इसके बाद से ये भी यहाँ भी इसी तरह की ये मामला नजर आ रहा है, जिसके बाद से इन एक ही परिवार के 12 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जी पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मशरूम खाने के बाद एक परिवार के 12 लोग बीमार पड़ गए और खेतों में लगे हुए मशरूम को तोड़कर सभी ने खाया था, लेकिन क्या ये मशरूम सही थे, इन्हें खाने लायक माना जाएगा, ये पता किए बिना खाना भारी पड़ गया है। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया है, सभी को उपचार दिया जा रहा है, किसी की भी स्थिति बेहद गंभीर नहीं बताई गई। शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारी के लिए।